दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग में निकली भर्ती के बारे में। डिटेल में हम यहाँ पे आपके जानेंगे, आपको बताएंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले हम हमेशा की तरह एक बात करना चाहता हूँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऊपर जरूर क्लिक कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपको टाइम से मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो डिटेल में शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में जल शक्ति विभाग में 17 जल रक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। दीज अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड इन दी जल शक्ति सब डिविजनल माजरा। यह जानकारी अभिनंदन ने दी है। हिमाचल प्रदेश की टोटल वैकेंसी की बात करें तो 17 पोस्ट रखी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8th पास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजनों की बात कर लें तो पलहौटी में यहाँ पे 2 पोस्ट रखी हैं, पातलियों में 2 पोस्ट, रामपुर भारपुरा में 1 पोस्ट रखी हुई है, बरहाल में 1 पोस्ट है, धोला कुआं में 1 पोस्ट है, हरिपुर खोल में 1 है, कोलर में 2, परदूनी में 1, माजरा में 2, पुरूवाला में 2, मिश्रवाला में 1 पोस्ट रखी हुई है और पिपली वाला में 1 पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट आपकी मिनिमम एज जो है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 45 वर्ष रहने वाली है। उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता 10 मई 2021 को शाम को 3 बजे तक सहायक अभियंता जल शक्ति उपमंडल कार्यालय माजरा में आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी अपना मूल दस्तावेजों सहित 12 मई 2021 को प्रातः 11 बजे जल शक्ति उपमंडल माजरा के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित कर लें। आवेदक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों की छंटनी के बाद ही परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी संबंधित ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा पूर्णतः स्थायी रूप से होगी। नियुक्ति पर जल रक्षक का मासिक वेतनमान 3300 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदक अपनी शैक्षणिक योग्यता जो कि कम से कम 8वीं 10वीं पास का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र जैसे BPL, हिमाचली, भूमिहीन, बेरोजगारी, अनुभव, अनुसूचित, पिछड़ा वर्ग, विधवा, तलाकशुदा, इकलौती महिलाएं, अनाथ, एकमात्र संतान, बेटी आदि प्रार्थना पत्र के साथ भेजे। उन्होंने बताया कि आवेदक शारीरिक व मानसिक रूप से कार्य करने के लिए सक्षम होना चाहिए। इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लें तो लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है 10/5/2021 है। इंटरव्यू की बात कर लें तो 12/5/2021 रहने वाली है। इस अधिक जानकारी के लिए, इसको पढ़ने के लिए वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके आप अधिक डिटेल में पढ़ लेना। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे टेलीग्राम पर सब ग्रुप देखने को मिलेंगे, इसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपको टाइम से मिलती रहेगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आशा करता हूँ आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।